भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में यादव महासम्मेलन को लेकर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा जनसंपर्क अभियान कई दिनों से कार्यकर्ताओं द्वारा जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन के विशाल आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी। अखिल भारतीय यादव महासभा के साथियों ने कई गांवों में जाकर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया और भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को हिस्सा लेने की अपील की। बता दें कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 24 दिसंबर को यादव जातियों का एक विशाल महासभा का आयोजन होगा, जहां लाखों की संख्या में यादवों के हिस्सा लेने का अनुमान है। वहीं सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि इस महासम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है, प्रशासन से भी आदेश ले लिया गया है। वहीं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सम्मेलन में आने की अपील भी की। वर्षीय यादव महासभा का अधिवेशन कर रहे हैं, जिसमें सैंडिस कंपाउंड में हम लोग का ये कार्यक्रम होगा 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को। इसमें हमारे देश भर से जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सभी 20 राज्यों से हमारे वहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, उड़ीसा से, और छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, सभी जगह से हमारे डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं। हम लोग सब मिल करके कार्यकारिणी का बैठक कल करेंगे। इसके बाद 23 तारीख को, 24 तारीख को हम लोग सैंडिस कंपाउंड में एक अधिवेशन करेंगे, जिसमें यहाँ के हमारे सभी राज्यों से आने वाले और बिहार राज्य से खास करके सभी जिला से जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी लोग आएंगे। हम लोग सब बैठ करके और जनता के बीच अपने बातों को रखेंगे। उद्देश्य क्या है सर इसमें? हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अपने यादव समाज का संगठित बनाना है सबको, और शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य और आपस में तालमेल करके हम लोग कैसे अपने समाज को प्रगति के पथ पर ला सकते हैं। गरीब मजदूर किसानों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को समझना, आपसी सद्भाव को बढ़ाना, और हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ भी सद्भाव फैलाना, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। माध्यम से जो भागलपुर जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र यादव जी ने जो आपको बताया कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में, या मुख्य रूप से 24 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर जिला में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके हम लोग गवाह बनेंगे, और उम्मीद है कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भागलपुर जिला से बिहार के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगी, और जो समाज में असमानता है, खास करके जो यादवों में जो गरीबी अमीरी जो आपस में जो विद्वेष है, उसको कैसे समाप्त करके समाज एकजुट हो। राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत सक्रिय हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो सके, संगठित हो सके, यह इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और जो कार्यक्रम का प्रारूप है और सारा जो संगठन का विचार है, सम्मानित अध्यक्ष जी ने आपको बताने का काम किया, और हम लोग इनके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग सहयोग कीजिए। इस कार्यक्रम को पूरे जिला में, पूरे देश में, राज्य में सफल आयोजन करना है। उद्देश्य से हम लोग 24 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल बनाए, उसके लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं कि उस पर चर्चा हो। और ये कार्यक्रम यादवों का जो कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक किसी दल से नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, जो एक समरसता का भाव हो, सभी में एक स्नेह का भाव हो, सभी एकजुट आए हुए। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम सभी यादव एकजुट, एक संगठन की तरह रहें, एक दूसरे की सहयोग करें, और जो भी शिक्षा हो, शिक्षा पे जोर दिया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।